काइजर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है क्योंकि काइजर जो लड़की बचपन से मेरी क्रश थी आज उसकी शादी होने वाली है वो भी लिटिल सिंगम से अरे स्वीटी मेरी बात सुनो तुम मुझसे शादी कर लो इसको छोड़ दो अरे कृष्ण क्या बोल रहे हो मेरी शादी तो लिटिल सिंगम साथ ही होगी अरे पर ऐसा क्यों मेरे में क्या कमी है मैं क्रिश हूँ मेरे पास खतरनाक खतरनाक पावर्स भी है अब कौन सी पावर है तेरे पास बात मारने की क्यूँकी जितना बड़ा तेरा पेड़ है, तेरे पेट में से सिर्फ बाद हंसना हा, 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 हा। था, था क्या तू चुप रहे स्वीटी तुम उसको छोड़ो मेरे साथ चलो नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अरे पर क्यों? क्यों क्या? तुम एक बार अपने देखो और लिटिल सिंह को देखो वो कितना ज्यादा अच्छा है उसकी बॉडी देखो कितनी खतरनाक है उसकी पावर्स भी बहुत ही खतरनाक है और तुम तो एक मोटे ऐसी कृषि अरे मैं तो बचपन ही ऐसा हूँ अब मैं क्या कर सकता शादी कर लो तुमसे शादी नहीं करूँगी अबे क्रिश के बच्चे तुझे समझ नहीं आता क्या तू क्या खर्चा पाने तू मोटा है, इसलिए वो तेरे से शादी नहीं करेगी चल निकल यहाँ से। अच्छा मेरे पास एक आइडिया अगर मैं एक पतला और खतरनाक मस्कुलर क्रिश बन जाऊँ तो क्या तुम मेरे से शादी करोगी और लड़के सिर्फ पतला होने से नहीं होता मेरे जैसी बॉडी और पावर होने चाहिए हाँ, ये हाँ तो मैं भी इसके जैसी बॉडी और इससे भी खतरनाक पावर्स लाऊंगा फिर तुम क्या मेरे ऐसी शादी करोगी सिंगम ऐसी भी खतरनाक ऐसा हो ही नहीं सकता अरे हो जाएगा पर तुम बताओ क्या तुम मेरे ऐसी शादी करोगे तब अच्छा ठीक है क्रिश अगर तुम लिटिल सिंगम से अच्छी बॉडी बना लेते हो और उससे भी अच्छी पावर्स लाते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी और क्या बोल रही हो हमारा शादी का टाइम होने वाला है क्रिश तुम्हारे पास

हा, हा हा मेरे पास दो दो सुपर आ चुके हैं जो कि मोटे हैं क्यों आए तुम अरे पतले आए और क्या अगर तुम्हें होना है पतला तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आयो क्योंकि तुम मेरी बॉडी तो देख ही सकते हो ये बॉडी बनी है प्रोटीन शेक पीने से क्या वो तुम्हें ले ले बताता तो हूँ तुमको कैसे मिलेगा यहाँ पर तुम्हारे पीछे रेसिंग कार्स खड़ी है इनमें बैठ के तुम्हे जाना है इस खतरनाक से स्टार्टिंग लाइन से और अपनी गाड़ी को खुदाना है इस रैम से और तुम्हें इस लावा लेक के ऊपर से जाना पड़ेगा फुल स्पीड में सामने फिनिशिंग लाइन की तरफ इस फिनिशिंग लाइन पर वेट कर रहे तुम्हारा प्रोटीन शेक और वो मैजिक प्रोटीन शेक मदद करेगा तुम्हारी बनने में पतला और मस्कुलर तो अगर तुम्हें मेरे से भी खतरनाक बॉडी चाहिए तो वो प्रोटीन शेक तुम्हें पीना पड़ेगा जाओ पहले चला क्या? बच्चे टेंशन मत लो, हैं क्या स्पाइडरमैन वहां तक पहुँच पाएगा मैं तो के मुझे कैसे भी करके वो प्रोटीन शेक भी नहीं। बच्चे लावा में मत गिरना, वरना तुम जल के राख हो जाओगे अगर ऐसा चलता है ना तो ये तो फिनिशिंग लाइन पर पहुँच जाएगा और स्पाइडरमैन की गाड़ी चलकर राख हो चुकी है और स्पाइडरमैन भी स्पाइडरमैन की तो गाड़ी ब्लास्ट होकर लावा में चली गई तुम रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ का मुझे ये रिस्क कैसे भी करके लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे स्वीटी से शादी करनी है तो फटाफट से इसके अंदर बैठ जाते हैं और ये थोड़ी सी छोटी नहीं है मेरे लिए लगता है मैं ज्यादा ही मोटा हो चुका हूँ पर कायर अगर आप अभी जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे चांसेस बढ़ने वाले इस चैलेंज को जीतने के फाइनली मैं मोटे से खतरनाक मस्कुलर बॉडी बिल्डर क्रिश बन के दिखाऊंगा और फिर मैं स्वीटी से शादी कर पाऊंगा अरे बच्चे तुम एक बच्चे तुम एक प्रोटीन शेक से दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिश नहीं बन सकते तुम्हें कम से कम तीन प्रोटीन शेक पीने पड़ेंगे क्या

मुझे नहीं गिरना स्पाइडरमैन इसी लावा लेक के अंदर कहीं तो गिरा पड़ा होगा पर मुझे नहीं गिरना मुझे पहुंचना है मैंने ये कर दिया। इतना सारा प्रोटीन शेक उसने बोला था मुझे तीन प्रोटीन शेक पीने और यहाँ पर तीनों पड़े फटाफट से तो खाली है अरे वो दोनों ग्लास तो मैंने सजाने के लिए रखे दर है मैजिक वाला प्रोटीन शेक वो अच्छा ये वाला है क्या चलो फटाफट और और पूरा पूरा है पहले मैं कितना ज्यादा मोटा था अब तो मैं बिल्कुल पतला हो चुका हूँ और मेरे पास तीन तीन मुंडिया भी आ चुकी है मैं जब से पैदा हुआ था तब से मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हुआ था जैसे पैदा हुआ नर्स ने बोला कितना मोटा बच्चा है

बोलिंग चैलेंज में मुझे पता चला है तुम्हें ये प्रोटीन शेक चाहिए हा, हा, मुझे चाहिए और तो तुम्हें अगर प्रोटीन शेक चाहिए तो ये बोलिंग चैलेंज करना पड़ेगा जल्दी बताओ मुझे क्या करना है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ओह बच्चे तो मेरी बात सुन ये है बॉल सामने पिंस तुम्हें पाँच ट्राय मिलेंगे और उसमें से कितनी बार मारना है एक बार ओह बच्चे एक बार से क्या होगा अच्छा तीन बार ओब बच्चे पांचों की पांच बार सारे के सारे पिंस तो गिराने पड़ेंगे तभी मैं तो चाहिए प्रोटीन शेक धोने क्या सबको गिरना पड़ेगा ये प्रोटीन शेक फ्री में ना आता है। बहुत मेहनत लगती है चल शुरू हो अंकल कम से कम एक ट्रायल बॉल तो क्रिकेट चल रहा है चल, ले लू सर ना मुझे सारी की सारी पिंज उड़ानी हुई पूरी पांच बार और आज तक मैंने कभी बोलिंग करी भी नहीं है तो चलो ट्राई करते हैं इसको उठाएंगे यहाँ पर और इसको फेंकने वाले देखते हैं कितनी पिंज गिरेगी ये और कह सर ये बॉल यहाँ पर लग चुकी और यहाँ पर तो सिर्फ दो ही पिन की ओए बच्चे शुरू हो जा अब ये तेरा पहला चांस होने वाला है एक भी नहीं बचनी चाहिए तो गाइजर हमें सारी की सारी बॉल उठानी पड़ेगी वो भी पांच के पांच उमर चलो फटाफट फ़ड़ से इसको लॉन्च करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो जल्दी जल्दी लाइक कर दो तो, तभी तो मैं जीत पाऊंगा चलो हम बिल्कुल तैयार है यहाँ पर निकल चुकी है और ये क्या सारी की सारी पिन सामने यहाँ पर उड़ा दी ये तो बहुत ही खतरनाक था ओह बच्चा बहुत बढ़िया वन आउट ऑफ फाइव तुमने कर दिया है अब चार बार और करना है तो कह सर अब ये हमारी वापस से बारी आ चुकी है एक बार तो हमने सारी पिंस को गिरा दिया अब वापस से सारी की सारी पिंस गिराने वाले हैं तो चलो फटाफट से इसको उठाएंगे और लॉन्च करेंगे ऑन बूम और और फिर से हमारी बॉल यहाँ पर जा चुकी है और सारी की सारी पिंस गिरने वाली है गिरने वाली है और ये सारी की सारी पिंस मैंने गिरा दी है ये पिन ऐसे सजावट की है इसकी निये ओहे बच्चा है बहुत बढ़िया

दो बार तो हमारे तुक्के लग गए क्या तीसरा बार तुक्का लगेगा या फिर हम एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं अभी पता चलने वाला है थ्री टू वन गो

आप देख सकते हो मैं बन चुका हूँ खतरनाक सा क्रिश जिसके आ चुके हैं विंग्स आज तक जो भी क्रिश थे वो कभी उड़ नहीं सके थे पर मैं मैं उड़ सकता है इतना खतरनाक कृषि मैंने आज तक कभी नहीं देखा अगर आपने देखा है तो बुरा पट कमेंट करके बता दो हमारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है हम अब कुछ भी कर सकते हैं पर क्या हम लिटिल सिंगम को हरा सकते हैं तो मैं उससे जाकर लड़ाई करने वाला अगर पीड़िया तो क्या होगा मैं स्वीटी से शादी नहीं कर पाऊंगा पर मेरे पास यहाँ पर टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम है तो मुझे कुछ जल्दी से करना पड़ेगा और भी प्रोटीन शेक मुझे चाहिए होगा ताकि मैं अपग्रेड हो सकूं दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिश में लेट्स गो तुम लोगों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में इस चैलेंज में तुम जीत सकते हो प्रोटीन शेक और हमारे कंटेस्टेंट है क्रिश और सुपर डॉग इस चैलेंज में तुम्हें अपनी गाड़ी को लेकर जाना है और इस पूरे के पूरे खतरनाक ऑबस्टिकल से भरे कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा याद रखना कोई भी नीचे गया तो वो डिस्कालीफाई हो जाएगा ये चैलेंज है बहुत ही ज्यादा मुश्किल और जो भी फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा, उसको मिलेगा ये ट्रॉफी और प्रोटीन शेक। सुपर डाउ मेरी बात सुन मेरे पास है ये प्रोटीन शेक मैं ले लेता हूँ और वो ट्रॉफी तो देखे बदलो मुझे दोनों चाहिए। पौँ, पौँ। तो चलो फिर चैलेंज शुरू करते हैं

अगर ऐसा चलता रहा तो इससे ही मैं फिनिश कर देगा इस चैलेंज को जल्दी जल्दी बैड लक सुपर डॉग कमेंट कर दो और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना उससे मेरा गुड लक बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है और ये फाइनल जंप आ चुका है तो ज़्यादा तो आगे निकल चुका है और सुपर टॉप होता है डिस्कालीफाई चुकी की, की। है और इस चैलेंज को जीत कर वो प्रोटीन शेख भी अपनी लेकर रहेंगे चलो फटाफट से चलते बड़ी सी लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी गेट को तोड़ते तोड़ते हम जाएंगे बचते बचाते कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मेरे चांसेस तो 100% हो चुके हैं इसको जीतने के और इस फैन ने मुझे मारा है अच्छा ज्यादा तेज नहीं मारा वरना मैं तो उड़ जाता है सीधा रैंप से बाहर पर कैसे हमें यहाँ पे बचते बचते जाना है गेट को तोड़ना है और अब बारी आ चुकी है हमारे आखिरी जम की यहाँ से फुल स्पीड में भगाएंगे और इतना भी नहीं भगाना है कि हम बाहर निकल जाए जैसे वो कुत्ता निकल गया था और कैसे आप देख सकते हो मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ और मैं आ गया फिनिशिंग लाइन पे तो कैसे देख सकते हो हमने ये चेंज कंप्लीट कर दिया है ये ट्रॉफी मुझे मिल चुकी है पर मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए ये ट्रॉफी मैं उस कुत्ते को दे दूंगा मुझे सिर्फ वो प्रोटीन शेक चाहिए ये ले बच्चे तेरा प्रोटीन शेक चलो गाइज और फॉरवर्ड्स इसको पी लेते और बन जाते का सबसे क्रेश। और गाइस आप देख सकते हो उस प्रोटीन शेक को पीने के बाद हम हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक अभी आप देख सकते हो मैं कितना सादा मस्कुलर और पावरफुल क्रेश बन चुका हूँ और मेरे और मुझे फील भी हो रहा है मैं कितनी ज्यादा पावर्स मेरे अंदर आ चुकी है ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कैसा अभी मैं लावा को भी मार दूंगा मुझे लावा से भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा लावा भी कुछ नहीं कर सकता मैं सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ ये पूरा लॉस सेंटोस मेरे कब्जे से में होने वाला है हा 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 हा, हा।

करने ने हमें यहां पर एक खतरनाक से ड्राइंग मैजिक बोर्ड कर दे दिया है जो हमारी मदद करने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिश बनने में

लोअर बॉडी भी यहां पर बना दी जाए यहाँ पर इसको बनाएंगे बढ़िया सा चड्डा तो कहा सर मैं एक एवेंजर और क्रिश दोनों को मिक्स करने वाला हूं देखते देख कौन गैस कर पाएगा ये कौन सा एवेंजर है फटाफट से इसको बनाते हैं वन टू थ्री डन और इसके चड्डे में दो तीन जेब भी इसको यहां पर दे देते हैं ताकि ये बहुत ही बड़े लगे और यहाँ पे जेब भी दे और इसकी बॉडी में हम यहाँ पर देंगे इसको बढ़िया बढ़िया अब इसका फेस का मास्क बनाते हैं क्योंकि में तो सबसे जरूरी मास्क ही है अगर किसी को पता चल गया कृष्ण का चेहरा तो वो बहुत ही दिक्कत हो सकती है तो हमें इसको बढ़ाफट से यहाँ पर मास्क भी बना देना चाहिए यहाँ लेकर जाएंगे बढ़िया खतरनाक और पर आने वाली है तो कैजर मास्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है मुंह भी हमने इसका यहाँ पर बना दिया बालों को थोड़ा तो और भी ज्यादा बढ़िया कर देते हैं तो कैसर अभी हमने इसको तो यहाँ पर बना दिया पर कैसर ये तो हो गया एक नॉर्मल जॉइंट खतरनाक क्रिश पर इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं फेस फेस इंटू सेवन यहाँ पर होने वाले है, के साथ साथ मुंडिया ये बहुत ही खतरनाक होगा अब फटाफट से कलर करना शुरू करेंगे सबसे पहले लेंगे ब्लैक कलर इसके मास्क के अंदर और इसके बालों में हम थोड़ा डार्क ग्रे कलर करने वाले हैं ओके ये यहाँ पर हो गया डन अब फटाफट से स्किन कलर लेके इसकी स्किन में कर देते जो, जो फेस में होने वाला है यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर भी कर देंगे इसकी आंखें तो वैसी ही रहेगी उसके बाद हम लेंगे पर्पल

और ये कितना खतरनाक है आखिरकार मैं दुनिया का सबसे खतरनाक कृष्ण बन ही चुका हूँ जो मैंने सोचा था वो हमने कर दिखाया दुनिया का सबसे खतरनाक कृष्ण बन चुके हैं अब तुम्हारी तो स्वीटी से पक्का शादी होने वाली है चलो स्वीटी स्वीटी में आ गया अरे तुमने तो बोला था तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कृष्ण चाहिए मैं बन गया अरे ये कैसे हो सकता है ये तो बहुत ही बड़ा है और तो मेरा क्या होगा तेरा तो वही होगा जो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं तुझे उठाऊंगा फिर दूर फेंकूंगा ये क्या किया तुमने और इसको फिर से उठाकर हम फेंकेंगे लावा में बाय बाय तो सर फाइनली मैंने लिटिल के बच्चे को फेंक दिया लावा में उसको खत्म कर दिया और कहे सर मेरी शादी होने वाली है स्वीटी से जो हमारा सपना था बचपन से वो आज पूरा हो चुका है हम दुनिया के सबसे खतरनाक कृष्ण बन गए और हमारी शादी भी स्वीटी से होने वाली है तो गाइस और से इतना अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो अगर आपको देखनी है मेरी और स्वीटी की शादी तो कमेंट कर दो पार्ट टू और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन और फॉलो कर और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय